Brought to you by Colduran All-in-One. Jumitai, Sardi, Sardat, Barandat, Khansi Jaise 10 Lakshan. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्ड्रिन ऑल इन वन। अगर मैं मास्टरबेट करूँगा तो क्या मैं अंधा हो जाऊँगा? क्या मैं नपुंसक बन जाऊँगा? क्या अच्छी सेक्स लाइफ के लिए लिंग का साइज मैटर करता है? मुझे अक्सर नाइटफॉल होता है, क्या इसका मतलब है कि मैं कमज़ोर हूँ? क्या मैं बाप नहीं बन पाऊँगा? क्या शराब पीकर सेक्स करने से पौरुष शक्ति बढ़ती है? क्या पीरियड्स के दौरान अनसेफ सेक्स करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होगी? ये पांच ऐसे सवाल हैं जो आप में से बहुत बहुत सारे लोगों ने हमें कई बार भेजे हैं। अब सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते थे कि हम शो पर उनका नाम लें, इसलिए हमने इन सारे सवालों की एक लिस्ट बनाई और पूछा एक एक्सपर्ट से। वैसे भी बात जब सेक्स की आती है तो हम में से ज़्यादातर लोगों में जागरूकता की कमी है। हम अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने से झिझकते हैं और जब सही सोर्स से जानकारी नहीं मिलती है तो फैलते हैं मिथक। इसलिए आज हम सेक्स से जुड़े पांच बहुत ही आम मिथकों के बारे में बात करेंगे। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मास्टरबेशन के बारे में लोगों का मानना है कि मास्टरबेशन कॉजेस ब्लाइंडनेस, या मास्टरबेशन की वजह से एक्ने हो जाते हैं, या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या फिर इम्पोटेंसी हो जाती है, आंखें ढस जाती हैं, या गाल पिचक जाते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है आदि। तो ऐसे कई मिथ्स हैं जो कि कंप्लीटली बेसलेस हैं। मास्टरबेशन एक हार्मलेस एक्टिविटी है। मास्टरबेशन तब प्रॉब्लमेटिक होता है जब आप उसके अडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जब एक्सेस में की जाती है तो उसको लत बनते देर नहीं लगती। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का अडिक्शन अच्छा नहीं होता, तो ये चीज मास्टरबेशन के साथ भी है, क्योंकि जब आप उसके अडिक्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होने लगेगी, टीनएजर्स की स्टडीज इफेक्ट होने लगेंगी, सोशल एब्सटेंस होने लगेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम इसी में निकल जाता है। वो अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, तो वो चीज गलत है। कई लोगों में देखने को मिलता है कंपल्सिव मास्टरबेशन, यानी कि मास्टरबेट करना ही करना है, फिर चाहे उनको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिले या ना मिले। आप उसको लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि आपकी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी उस पर पूरी तरीके से हो जाती है, कि बिना करे आपको चैन नहीं मिलता, आप खुद की इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाते, बिहेवियर ऑल्टर होने लग जाता है, तो वो गलत है। या आप इतना हार्श तरीके से कर लेते हैं कि कोई इंजरी हो जाए, या फिर यदि आपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से ज्यादा मास्टरबेशन प्रेफर कर रहे हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, या कई लोगों को प्रोन मास्टरबेशन की गलत हैबिट भी होती है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है एंड आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लोगों में मास्टरबेशन के कारण जो गिल्ट होता है उसकी वजह से इमोशनल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम पर भी असर पड़ता है, तो ये मत होने दीजिए। यदि आप एक हद तक कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। बस एक्सेसिव के लिए ऑब्सेसिव मत होइए। एक हेल्दी मास्टरबेशन आपको प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क से भी बचाता है। क्या पीनिस का साइज मायने रखता है वोमेन को सेटिस्फाई करने के लिए? तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितना लंबा पीनिस साइज होगा उतनी ही बेहतर सेक्स लाइफ होगी। और इस मिथ की पहली बड़ी वजह है पॉर्न, दूसरा है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। पॉर्न की वजह से लोग अपने माइंड में कुछ अनरियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और शिक्षा की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण उसे सच भी मान लेते हैं और इसी वजह से वो रियलिटी से भी दूर हो जाते हैं। देखिए, फीमेल्स की जो वजाइना होती है उसकी एवरेज डेप्थ लगभग 6 इंच होती है, जिसमें के आउटर 1/3 पार्ट वजाइना, यानी कि आगे का 2 इंच का पार्ट प्लस द एक्सटर्नल जेनिटला, जैसे कि क्लिटोरिस है, तो उसमें सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग होती है, सबसे ज्यादा सेंसेशन होता है और वो संवेदनशील होती है। और जो इनर 2/3 पार्ट ऑफ वजाइना है, दैट इज अराउंड 4 इंचेस, व्हिच इज वर्चुअली इनसेंसिटिव।
तो यदि आपकी पेनिस का साइज 2 इंच तक भी है ऑन इरेक्शन तो वो काफी है आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर मैक्सिमम फीमेल्स लेंथ ऑफ द पेनिस से ज्यादा क्वालिटी ऑफ सेक्स से इम्प्रेस होती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर फोर प्ले करिए, क्वालिटी सेक्स करिए, ये आपके रिलेशनशिप को, आपके वैवाहिक जीवन को हेल्दी, आनंदमय एवं सुखमय बनाएगा। युवा पीढ़ी की जो सबसे बड़ी सेक्सुअल समस्या है वो है नाइटफॉल, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, या वो सेक्सुअली कमजोर हो जाएंगे, या उनका सीमेन कम हो जाएगा, या उन्हें इनफर्टिलिटी हो जाएगी, या उनकी कल को मैरिड लाइफ नहीं चल पाएगी, उनकी पार्टनर उन्हें छोड़ के चली जाएगी एंड सो ऑन। तो देखिए, ये भी एक मिथ है, क्योंकि नाइटफॉल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। देखिए, सीमेन कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी में सेक्रीट होता रहता है। यदि आपने वॉलेंट्री एक्सपेल नहीं किया, फिर चाहे वो सेक्स के थ्रू हो या मैस्टर्बेशन के, तो वो खुद ब खुद एक्सपेल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्लीप एमिशन या नाइटफॉल और स्वप्न दोष। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, तो अगर आपके पास एक ग्लास पानी भरा हुआ है और आप उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वो अपने आप ही बाहर निकलने लगेगा। सेम इज विद द सीमेन, यदि आपने खुद एक्सपेल नहीं किया तो वो खुद एक्सपेल हो जाएगा। हाँ, बट मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि यदि आपको नाइटफॉल रोजाना हो रहा है या बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है तो ये किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन यदि हफ्ते में एक या दो बार ही नाइटफॉल होता है तो ये एक हेल्दी सेक्सुअलिटी को इंडिकेट करता है एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब बात करते हैं कि इससे जुड़ी दूसरी भ्रांति की, कि लॉस ऑफ सीमेन मींस लॉस ऑफ वाइटिलिटी और सेक्सुअल स्ट्रेंथ और विगर, या फिर सीमेन इतना प्रीशियस होता है कि उसकी एक बूंद ब्लड के 40 से 80 बूंद के बराबर होता है, या सीमेन को प्रिजर्व करके रखें ताकि आपकी लॉन्गेविटी बनी रहे, तो ऐसे कई मिथ्स हैं जो सही नहीं है। देखिए, सीमेन बेसिकली तीन चीजों का मिक्सचर होता है, जिसमें 10% स्पर्म होता है जो कि टेस्टिकल में प्रोड्यूस होता है, दूसरा है सेक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स जो कि अराउंड 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एंड तीसरा है सेक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ये अप्रोक्सीमेटली 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये तीनों चीजें मिलकर सीमेन बनाती हैं एंड ये थ्रू आउट द लाइफ सेक्रेट होता रहता है। तो यदि आप चाहेंगे भी कि आप अपने सीमेन को स्टोर कर सकें या प्रिजर्व कर सकें तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीमेन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है एंड यदि आपने एक्सपेल नहीं किया तो वो नाइटफॉल, या जिसे हम बेड ड्रीम्स भी कहते हैं, के फॉर्म में एक्सपेल हो जाएगा। ये जो धारणा है वो मुझे लगता है कि हर एक वर्ग के लोगों में बैठी हुई है, फिर चाहे वो शिक्षित हो या फिर अशिक्षित। लोगों को ये लगता है कि शराब पी के सेक्स करने से स्टैमिना बढ़ता है, ड्यूरेशन बढ़ता है, उनको और भी ज्यादा आनंद आता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शराब का सेवन करके संभोग करने पर पहले तो यह अनुभव अवश्य हो सकता है, लेकिन आगे चल के दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। वक्त के साथ आप संभोग करने में असफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शराब उत्तेजित करती है, कामनाओं को बढ़ाती है, इच्छाओं को जगाती है, लेकिन उनको पूरा करने की शक्ति छीन लेती है, क्योंकि अल्कोहल का सेवन करने से पेनिस में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, साथ ही ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, नतीजा इरेक्शन लाने में या मेंटेन करने में दिक्कत होने लगती है। और यही सेम चीज फीमेल्स में भी होती है, जब वो अल्कोहल का सेवन करती हैं तो जेनिटल्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, देयरफॉर फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे सेक्स में पेन भी हो सकता है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि स्टैमिना बढ़ेगा या फिर ड्यूरेशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अल्कोहल आपको शारीरिक तौर से
कमजोर कर देता है। एक और कॉमन मिथ है, वो है कि यदि आपने पीरियड्स के दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। इवन पीरियड्स के दौरान भी यदि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। वो बात अलग है कि पीरियड्स के स्टार्टिंग के एक दो दिन में पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, बट विद टाइम बढ़ जाती है। इवन अगर आप ब्लीड भी कर रहे होते हैं तब भी, तो एंड ऑफ द पीरियड के दौरान यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल एग एंड मेल के स्पर्म्स की जरूरत होती है। तो जहां ओवरी से एग रिलीज होता है तो 12 से 24 घंटे तक सर्वाइव करता है, वहीं स्पर्म टिल 5 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। एंड क्योंकि ओवुलेशन यानी कि रिलीज ऑफ एन एग कभी भी हो सकता है, देयरफॉर फर्टिलाइजेशन की भी पॉसिबिलिटी रहती है। वैसे मैक्सिमम फीमेल्स की हम बात करें तो उनकी साइकिल 28 से 30 दिन पे होती है, तो ओव्यूलेशन है वो अराउंड 12th या 14 डे के इर्द गिर्द होता है। लेकिन वहीं कुछ फीमेल्स की साइकिल 21 दिन की भी होती है, तो उसमें 7th डे के अराउंड ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ की 35 डेज या इससे ज्यादा की होती है, तो उनमें ओव्यूलेशन में भी 21 डेज के अराउंड हो। तो देखिए, ओव्यूलेशन की डेट एंड टाइम वैरी करती है वोमेन टू वोमेन। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इवन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वोमेन माइट ब्लीड, जिससे कि वो वजाइनल ब्लीड समझ बैठती हैं। एंड इस दौरान यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यदि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो जरूरी है कि आप प्रोटेक्टेड सेक्स ही करें। डॉक्टर सारांश जैन ने जिन 5 मिथकों के बारे में बात की है वो लगभग हर इंसान के मन में होते हैं। उम्मीद है कि आज आपके सारे मिथक दूर हो गए होंगे। अपनी सेक्सुअल दिक्कतों को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई समस्या महसूस हो रही है तो गूगल बाबा के चक्कर में ना पड़े, किसी एक्सपर्ट से मिलें और सही राय लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए सोते सोते आपके हाथ सुन क्यों पड़ जाते हैं। एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सोकर उठे और आपको एहसास हुआ कि आपके हाथ सुन पड़ गए हैं, सुइयां चुभ रही हैं? परेशान मत होइए, ये बहुत ही आम बात है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर क्यों, ये हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते समय आपकी कोई नस दब गई है। बहुत बार हम अपने हाथों पर सो जाते हैं, जिस कारण नसों पर पड़ता है प्रेशर, वो दबती हैं। अब अगर आपके हाथ सुन है, यानी आपकी अल्नर, मीडियन और रेडियल नसों पर प्रेशर पड़ा है, ये नसें आपकी गर्दन से शुरू होकर आपके हाथों तक जाती हैं। जो अल्नर नसें होती हैं वो आपके फोरआर्म की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं। फोरआर्म यानी कोहनी और हथेलियों के बीच की जगह, यहाँ मौजूद मांसपेशियाँ आपको चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाने में मदद करती हैं। फोरआर्म में अल्नर से ज़्यादा मीडियन नसों का रोल होता है। मीडियन नसें आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, ये सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं। अधेड़ उम्र की महिलाओं में, डायबिटीज़ या फिर थायराइड के मरीजों में ये बहुत आम होता है। इसे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ये मीडियन नर्व की दिक्कत से होता है, क्योंकि मीडियन नर्व बैंड के नीचे से जाती है और अल्नर नर्व बैंड के ऊपर से जाती है। रेडियल नसें कंट्रोल करती हैं आपके हाथ के पीछे के हिस्से और अंगूठे को। अब आपकी किस नस पर प्रेशर पड़ा है उसे तय होता है कि आपको हाथ के किस हिस्से में झंझनाहट हो रही है या सुन महसूस हो रहा है। इसलिए सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। अपने हाथों और कोहनी को मोड़कर मत सोइए। अगर पेट के बल सोते हैं तो हाथों को साइड पर रखिए, हाथों को सिर के ऊपर नहीं साइड पर रखकर सोइए। और हाँ, अपने हाथों को तकिए के नीचे रखकर सोना अवॉइड करिए। अब वैसे तो उठकर हाथ सुन महसूस होना ये बहुत ही आम बात है, पर ये चिंता की वजह तब बन जाती है जब उठने के बाद भी खून का दौरान वापस ठीक ना हो और हाथों के साथ साथ कंधे, गले और पीठ पर भी आपको सुन महसूस हो, मांसपेशियां कमज़ोर लग रही हो और दर्द हो रहा हो, तब ज़रूरी है कि आप फौरन डॉक्टर से मिलें। हो सकता है ये किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो, जैसे रात को झंझनाहट जैसी दिक्कतें कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज बात करेंगे सफेद, भूरे और लाल चावल में कौन सबसे ज्यादा फायदेमंद है।
जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अक्सर खाने में सफेद चावल की जगह भूरे यानी ब्राउन राइस या फिर लाल चावल खाने की सलाह दी जाती है। तो वाइट राइस, ब्राउन राइस और रेड राइस में क्या अंतर है, वेट घटाने के लिए इनमें से कौन सा चावल सबसे बेहतर होता है और क्यों, ये सारे सवाल जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन पायल शर्मा से। चावल में चार तरह की परतें होती हैं, हस्क, ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म। इसमें से सिर्फ ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म को ही खाया जा सकता है, हस्क को हटाना होता है। इसके बाद तीन परतें बचती हैं, सफ़ेद चावल में ब्रान और जर्म की परत को भी हटा दिया जाता है। इस वजह से इसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है दूसरे चावलों की तुलना में, इसके पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। भूरे चावल में केवल हस्क को ही हटाया जाता है, ये सबसे ऊपरी परत होती है, इसमें ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म मौजूद होते हैं। इस वजह से इसमें फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं। इसका पाचन धीरे धीरे होता है, हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है और ये चावल वजन कम करने में मददगार साबित होते हैं। आजकल लाल चावल भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लाल चावल में फाइबर और आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फाइबर की वजह से पेट भरा हुआ महसूस होता है, भूख कम लगती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इस वजह से ये और पौष्टिक हो जाता है। इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। पायल कहती है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या फिर वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो सफ़ेद और भूरे चावल की जगह लाल चावल खाइए। बस ख्याल इस बात का रखना है कि बहुत ज़्यादा चावल आपको नहीं खाने। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो ख़त्म करने के पहले एक ज़रूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।